किचन कुक में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ भेज बिरयानी, या आप इसे दम बिरयानी भी बोल सकते हैं। भेज बिरयानी बनाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नमक लिया हुआ है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिए 1/4, 1/4 मैंने यहाँ पे जीरा भी लिया हुआ है, और 1/4 मैंने हल्दी भी ली हुई है। यहाँ पे मैंने आधी चम्मच धनिया पाउडर भी लिया है, और आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च ली हुई है। यहाँ पे मैंने हाफ कप, आप हाफ बोल देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे शुद्ध घी, देसी घी भी लिया हुआ है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे घीस के पहले से ही करके रखा हुआ था अदरक और हरी मिर्चा का पेस्ट। यहाँ पे मैंने आधा कटोरी दही भी लिया हुआ है फ्रेंड्स, और मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ी सी काजू और किशमिश भी ली हुई है। यहाँ पे लगभग मैंने 2 से 3 टमाटर लिए हुए थे, जिसे मैंने कट करके रख दिए हैं। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया था, जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे कट करके रखे हुए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने धनिया, थोड़ी सी धनिया ली हुई थी, जिसे कट करके रखी हुई है, कोरिएंडर जिसे बोलते हैं, ग्रीन वाली, इसे कट करके रखी हुई है। यहाँ पे मैंने थोड़े से गरम मसाले लिए, देख सकते हैं, एक तेज पत्ता है इसमें, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे दालचीनी ली हुई है, 2 मैंने यहाँ पे इलायची ली है, और थोड़े से मैंने यहाँ पे 5-6 पीस मैंने यहाँ पे लौंग भी लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने आप देख रहे हैं कि चावल लिया हुआ है, लगभग मैंने यहाँ पे 1 कप चावल लिया था, जिसे मैंने भिंगो के पहले से रेडी करके रखा हुआ है। इस चावल को मैंने 25 मिनट भिंगो के रखा था, यह पूरी तरीके से रेडी हो चुका है पूरी तरह से। यहाँ पे मैंने फूल गोभी भी ली हुई है, आप देख रहे हैं, जिसे मैंने इस तरह से कटिंग करके रखी हुई है, काट के रखी हुई है। लगभग मैंने यहाँ पे 1 फूल गोभी ली थी, जिसे इस तरह से मैंने, छोटी फूल गोभी थी जिसे कट करके रख ली है। यहाँ पे मैंने 1 गाजर लिया था, जिसे इस तरह से मैंने काट लिया है, और मैंने यहाँ पे आधी शिमला मिर्च ली थी, जैसे मैंने इस तरह से काट लिए लंबे लंबे आकार में। और यहाँ पे मैंने 1 आलू लिया हुआ था, बड़ा आलू का पीस था, वो मैंने इस तरह से इसे छोटे छोटे इस तरह से लंबे लंबे आकार में काट लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने थोड़े से पनीर के टुकड़े भी लिए हुए हैं, लगभग 8 से 10 पीसेस पनीर के टुकड़े हैं। और यहाँ पे मैंने और प्याज काट के रखा हुआ है, लगभग यह 2 प्याज है, जिसे मैंने इसे लंबे लंबे साइज में इसे मैंने आकार में देके काटा हुआ है। मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया, जिसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल रखा था, मैं इसमें लगभग 3 गिलास पानी डालूंगी। अब इसमें हम चावल को सिझाएंगे, इस तरह से हम 3 गिलास इसमें पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 3 गिलास पानी डाला है, मैंने यहाँ पे लो को तेज कर दिया है। इस तरह से हम पानी को उबालेंगे और इसमें हम चावल डाल देंगे, इस तरह से सारे चावल मैं इसमें डाल दूंगी। अब हम पहले, सबसे पहले हम चावल को पकाएंगे। लगभग हमें यह चावल 80% पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़े से हमें इसे कच्चे ही रखने हैं, पूरी तरह से इसे गीले नहीं करने हैं। अब इसमें मैंने जो ये गरम मसाला लिया था, वो गरम मसाला मैं इसमें डाल दे रही हूँ इस तरह से। अब यह चावल हम पकाएंगे। आप देख रहे हैं कि हमारा चावल पकना चालू हो गया है, इसे हम अब पकने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 10 मिनट इसे हम पकाएंगे, फिर चेक करेंगे। तब तक के लिए हम आगे के प्रोसेस करते हैं, सब्जियों को फ्राई करेंगे। आप देख रहे हैं कि पहले से मैंने फ्राइंग पैन को गर्म करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने इसमें लगभग 1 कटोरी तेल डाल के रखा हुआ है। अब हम सभी सब्जियों को फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैं आलू को फ्राई कर रही हूँ इस तरह से। हमें सब्जी को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, लगभग 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसे हमें कच्चा रख देना है, क्योंकि आगे हमको दम भी करना है चावल का, इसलिए इसे हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, 1 से 1.5 मिनट बस। देखिए इस तरह से हमें आलू फ्राई कर लेना है। मैंने आलू को फ्राई कर लिया है इस तरह से। हम अब फूल गोभी को भी फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सभी सब्जियों को फ्राई कर देंगे। हमारी फूल गोभी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें गाजर डालेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारी सारी सब्जी फ्राई हो चुकी है। अभी सब गाजर को भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हमारी गाजर भी फ्राई हो चुकी है, 1 मिनट मैंने इसे कर लिया। मैं हल्की सी शिमला मिर्च को फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, बस इसे, अब इस तरह से चला के बस इसे मैं 2 मिनट के 2 सेकेंड के अंदर इसे उतार लेना। जब तक हम सब्जी फ्राई कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे चावल भी इधर रेडी हो रहे हैं। लगभग हमारे चावल रेडी हो चुके हैं, इसे अब मैं 2 मिनट के अंदर बाद छान लूँगी। अब हम इसमें थोड़े से प्याज फ्राई कर लेंगे। जो लंबे वाले प्याज हमने लिए थे, हम एक मैं उसे फ्राई कर रही हूँ, इसे हम अलग से निकाल लेंगे। इस तरह से हमें एकदम ब्राउन फ्राई कर लेना है। जब ये ब्राउन हो जाएंगे, तब इसे हमें उतार लेना है। आप देख रहे हैं कि हमारे प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं, इसे अब हम इस प्लेट में निकाल लेंगे
इस तरह से हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना। आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ पनीर के टुकड़े लिए थे, इसे भी अब मैं फ्राई कर लूँगी और निकाल लूँगी। आप देख रहे हैं कि हमारे चावल रेडी हो चुके हैं, अब इसे हम छान लेंगे। 80% मैंने इसे उबाला है, अब हम इसे पानी इसके निकाल देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक बर्तन लिया हुआ है, फ्राइंग पैन लिया हुआ है, इसमें मैं सबसे पहले 2 चम्मच घी डालूँगी। घी को हम गर्म होने देंगे। आप देखिए घी हमारा पिघलना चालू हो गया, इसका मतलब घी गर्म हो रहा है। अब इसमें मैं जीरा डालूँगी, इसे से हम 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे, इसमें लगभग मैं 1/4 हल्दी डाल रही हूँ। थोड़ी सी धनिया डालूँगी 1/2 चम्मच। इसमें थोड़े से मैं प्याज डाल रही हूँ, इस प्याज को हम फ्राई करेंगे, जो हमने कटे हुए प्याज लिए थे, और इसे अब हम चलाएंगे। हमारा प्याज फ्राई हो चुका है, आप देख रहे हैं मैंने लगभग इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसे मैंने पकाया है, फ्राई किया है, ब्राउन कलर का होने लग गया। अब इसमें मैं थोड़ी सी अदरक हरा मिर्चा का पेस्ट डाल रही हूँ जो मैंने लिया था, अब इसे हम फ्राई करेंगे इस तरह से। अब हमने जो यहाँ पे कटे हुए टमाटर लिए थे, वो कटे हुए टमाटर मैं डाल रही हूँ। लगभग हमने 2 से 3 टमाटर लिए थे, जो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब टमाटर को हम फ्राई करेंगे और अच्छे से इसे गलाएंगे, अच्छे से इसे फ्राई करेंगे। लगभग हम इसे 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे। तो हमारा यह टमाटर देखिए फ्राई होने लग गया, गलने लग गया है, इस तरह से गल रहा है। अब इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे जब तक ये फ्राई होते रहेगा। अब इसमें मैं थोड़ी सी 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ, इस तरह से देखिए 1/4 चम्मच गरम मसाला डालूँगी। हमारा टमाटर आप देख रहे हैं गलना चालू हो गया है। अब इसमें हम इसे फ्राई करके थोड़ी सी देर से बंद कर देंगे ताकि यह ठंडा हो जाए, और इसके बाद हम इसमें दही मिलाएंगे, क्योंकि हम गर्म चीज़ में दही नहीं मिलाते, दही फट जाती है, इसलिए हम इसे थोड़ी सी ठंडे होने के इंतज़ार करेंगे। जब यह ठंडा हो जाएगा हल्का हल्का, तब इसमें हम दही मिलाएंगे। आप देख रहे हैं कि हमारा यह ग्रेवी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। इसमें मैंने यहाँ पर 1/2 कटोरी दही ली थी, वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब इसे हम इसमें मिलाएंगे इस तरह से। आप देख रहे हैं अगर गर्म इसमें डालते हैं तो दही फट जाती है, चूँकि हमने इसमें थोड़ी ठंडी होने के बाद डाली, इसलिए हमारी दही फटी नहीं है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, लगभग 1/2 चम्मच में नमक मिला रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक मिक्स कर सकते हैं बाद में। अब इसमें हम जो वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई किया था, वह सारे वेजिटेबल्स मिला देंगे इस तरह से। सभी वेजिटेबल्स हम डाल देंगे, सभी को हमें डाल देना है। और हमने जो पनीर भी फ्राई किया था, वो भी मैं इसमें अभी मिक्स कर दे रही हूँ। इन सभी को मिक्स करके हमें फ्राई करना है ताकि इसमें सभी सब्जी अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से हमें इसे चलाना है और अच्छे से इसे मिक्स करना है। अभी हमने इसमें सारे मसाले मिक्स कर लिए, बढ़िया से चला दिया है ताकि इसमें सारी ग्रेवी जो एक साथ में आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और ये सब्जी इन सबको एब्जॉर्ब कर लें, ताकि खाने में काफ़ी रसदार और काफ़ी अच्छी लगे। इस तरह से हमने रेडी कर लिया इसे। अब हम आगे से प्रोसेस करेंगे। मैंने यहाँ पे अभी से हम गैस को लो करके रख देंगे। अब इसमें हम चावल डालेंगे और आगे की प्रोसेस करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये हमारी रेडी है, इसमें अब हम थोड़ी सी चावल डालेंगे इस तरह से। इसके ऊपर से अच्छे से चावल को हिला लेंगे चारों तरफ से इस तरह से। और जो हमने तेज़पत्ता, लौंग, इलायची डाली थी, वो सब हम अपने हाथ से निकाल लेंगे। इससे से हमने इसे सब्ज़ी के ऊपर डाल दिया है। अब हमने यहाँ पे जो प्याज फ्राई किया था, ये लंबे लंबे फ्राई किए थे मैंने, इसे अलग से रख लिया था, इसके ऊपर से हम डालेंगे इस तरह से। थोड़ी सी इसमें हम घी डालेंगे 1 चम्मच। आप चाहो तो अगर आपको घी का टेस्ट ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच इस तरह से घी डालेंगे।
थोड़ी सी यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती भी कट करके रखी थी, वो धनिया पत्ती डाल देंगे। अगर आपके पास पुदीना हो तो घर में आप पुदीना भी पत्ता भी डाल सकते हैं, पुदीना के पत्ते को कट करके रख के इसमें डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी इस तरह से। फिर हम एक प्रोसेस करेंगे, हमने जो यहाँ पे चावल लिया था वो चावल वापस इसमें हम डालेंगे, इसे से फैला लेंगे। सभी चावल को हम इसे से फैला लेंगे इस तरह से। अब फिर से इसमें हम ये प्याज की जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था ब्राउन कलर की, ये प्राइज हम इसमें प्याज डाल देंगे। थोड़ी सी इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे फिर से। यहाँ पे हमने जो देसी घी लिया हुआ था थोड़ी सी देसी घी भी डालेंगे इस तरह से, थोड़ी सी देसी घी भी डालेंगे फिर से। अब यहाँ पे हमने थोड़े से काजू और किशमिश भी लेके रखे हुए थे, आप देख रहे कि मैंने इस तरह से काजू को कट करके रखा हुआ था और किशमिश को वो ऊपर से इसमें हम डाल देंगे इस तरह से। सभी काजू किशमिश को हम डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने पहले से ही मैंने केसर को भिंगो के रखा हुआ था, एक पानी में थोड़ा सा डाल के केसर रखा हुआ था, अब इसे हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने फूड कलर भी रेडी करके रखा हुआ है, वो फूड कलर भी अब मैं डालूंगी इसमें ताकि चावल का रंग बहुत ही सुंदर आए। ये देखिए थोड़ा सा फूड कलर भी मैंने लेके रखा हुआ था, वो फूड कलर इसमें हम डाल देंगे। अब इसे हम दम होने के लगभग 15 मिनट के लिए ढक देंगे। मैंने इसे देखिए आप देख रहे हैं कि मैंने इस बिरयानी को इसमें ढक्कन लगा दिया लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। इसे अब हम ढक के रखेंगे और इसे दम करने के लिए छोड़ देंगे। हमारी इस बिरयानी को चढ़ावे लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं, देखिए कितनी अच्छी बनी है, इसमें कितना सुंदर रंग आया है। आप इसे देख के समझ सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको गैस को अब मैं ऑफ कर रही हूँ, आपको मैं पलटा के दिखाती हूँ। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए हमारी सारी सब्जी भी सीझ चुकी है, हमारे चावल भी अच्छे से सीझ चुके हैं। आप देख के समझ सकते हैं कितना सुंदर कलर आया इसमें, ये काफ़ी देखने में सुंदर और लाजवाब बनी है। आप देख सकते हैं, देखिए हमारी बिरयानी कंप्लीट है। अब इसे हम उतार लेंगे, गैस से निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने नमक अपने टेस्ट के अनुसार मिलाया था, अगर आपको नमक कम लगे तो आप अपने टेस्ट के अनुसार टेस्ट कर लीजिएगा और नमक मिला लीजिएगा। अब इसमें हम इसे इस तरह से सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं कितनी सुंदर बिरयानी बनी है। ये जितनी सुंदर है उतनी लाजवाब लगेगी खाने में, आप रंग देख के इसका समझ सकते हैं। इस तरह से हम बिरयानी को सर्व करेंगे, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इसमें। अगर आपको ये मेरा बिरयानी वाला रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।